खबर बड़वानी से। किसान परिवार का बेटा जाएगा थल सेना में। कहते हैं कि हिम्मत, हौसला और जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। यही बड़वानी जिला मुख्यालय से लगे गांव कसरावद में देखने को मिला। किसान परिवार का बेटा दीपक यादव, जिसने स्कूल की पढ़ाई खेती किसानी करके पूरी की और नौकरी करने के लिए फौज को चुना। दीपक ने बचपन से थल सेना में जाने का सपना देखा था। ऐसे में भारतीय थल सेना में चयन होने पर जब दीपक अपने मामा के गाँव पहुँचा तो गाँव वालों ने उसे पलकों पर बिठा लिया। गांव वालों ने ढोल ताशों और पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया। पूरे गांव में जुलूस निकाला। धार जिले के कुशी तहसील के ग्राम चिखलादसा से रहने वाले किसान हरिराम यादव का बेटा दीपक यादव का 27 फरवरी को थल सेना बल के लिए जनरल ड्यूटी में चयन हुआ। चयन के बाद आज 28 फरवरी को दीपक अपने मामा के गांव बड़वानी जिले के कसरावद में आया तो मामा परिवार सहित गांव वालों ने उसके स्वागत का ऐसा इंतजाम कर रखा था कि उसे भरोसा ही नहीं हुआ। ढोल ताशों के साथ पुष्प वर्षा कर गाँव में जुलूस निकाला, जिससे दीपक की आंखें भी भीग गईं। गाँव वालों के दिलों में देशभक्ति और अपने प्रति अपार प्रेम देखकर दीपक खुद को रोक ना पाया और ढोल धमाकों पर थिरक उठा। बता दें, चिखलदा गांव में रहने वाले दीपक के पिता हरिराम यादव खेती किसानी करते हैं। अपने काम के साथ साथ दीपक ने थल सेना की परीक्षा दी। 4 साल प्रयास करने और 2 बार असफल होने के बाद भी उसने हार न मानी और तीसरी बार में उसका चयन हो गया और अब वो थल सेना का हिस्सा हो गया है। क्या नाम था? मिथुन यादव। आज ये अग्निवीर परीक्षा में बालक पास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्षेत्र के ऐसे पिछड़े युवा जो देश और राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हीं युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी देश भर में अग्निवीर योजना लागू करी और उसी के तहत हमारे ही समाज के दीपक भाई यादव का सिलेक्शन हुआ। ऐसे ही अनगिनत कई युवा वो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था। उसी प्लेटफार्म को प्रधानमंत्री जी ने जो देश में लागू करा और ऐसे कई युवाओं के उसमें चयन हुआ है। ऐसे ही आज हमारे समाज के युवा दीपक भाई यादव का चयन हुआ है, जो समीपद ग्राम चिकलदा के निवासी है, लेकिन बड़वानी से सटा हुआ है हमारे जिले से भी। तो और भी ऐसे हमारे कई युवाओं को इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसीलिए आज हमने समस्त समाजजनों एवं युवा साथियों के साथ इनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया और हम दीपक भाई को भी आपके माध्यम से और यहाँ उपस्थित भी है, ये आश्वासन देते हैं कि हमारा जिस प्रकार से भी आपको हमारी आवश्यकता हो, तन मन धन से हम सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, साथ रहेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।